गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आर्ट में क्राफ्ट का सब्जेक्ट लेंगे, वो है पीस डाउ। आपकी बुक में पेज नंबर 21 पर ये क्राफ्ट का ड्राइंग दिया है। उसमें क्या करना है, येलो कलर का बड़ा पेजिस लेना है और इसके ऊपर बर्ड का ड्राइंग बनाना है। कैसा ड्राइंग बनाना है या ध्यान से देखो। आगे से इसकी चोंच आएगी ऐसे। और यहाँ पर इसकी आंखें आएगी, आंखों उसके ऊपर बनाने का है। तो इस प्रकार से ड्राइंग करने के बाद देखो, ऐसे यही शेप में ड्राइंग ऐसे करने का, बाद में यहाँ से कटिंग करने का, दो पेजेस एक साथ कट जाएगा। यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे लाइन टू लाइन कट करने का, फिर आगे इसकी चोट लगा देने की, यहाँ पर इसकी आंखें बना देने की, स्केच पेन से बन जाएगी। फिर दूसरी साइड भी आंखें बनाने की। अब जो बीच वाला जो पोर्शन जो है, दोनों को फेविकॉल से एक साइड की ओर चिपका दिया, नीचे की साइड से, तो एक साइड ऊपर की ओपन रह गई। तो उसमें हम कॉटन नहीं तो स्पंज, देखो ये कॉटन इसके बीच में डालने का, ऐसे ऐसे थोड़ा आगे पीछे करके पूरे पोर्शन में आ जाए इस प्रकार से, ऐसे। बाद में क्या करना है, ये फेविकॉल से बंद कर देने का। कॉटन डालने के बाद फेविकॉल से चिपका देने का। ऐसे थोड़ा दबाएंगे, ऐसे थोड़ी देर दबा के पकड़ेंगे, चिपक जाएंगे। इसके अंदर एयर और एयर रहती है, इसलिए चिपकने में देर लगती है। बाकी रह जाए फिर से फेविकॉल मारने का। धीरे धीरे चिपक जाएगा ऐसे। ये चिपकाने के बाद क्या करना है, उसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देने का, पंखे के नीचे सूख जाएगा। अब क्या करना है, ऐसा पेपर लेने का है, कोई भी ऑरेंज कलर का या किसी और कलर का, कोई भी
यहाँ बुक में ऑरेंज लिया है इसलिए ऑरेंज पेपर, इसको फोल्ड करना है। तो कैसे फोल्ड करेंगे, आगे पीछे इस प्रकार से, एक आगे लिया एक बार पीछे लिया, फोल्ड करते जाना ऐसे, जैसे हम पेन बनाते हैं इस प्रकार। ऐसे चार पीस फोल्ड करना है पेपर का, दूसरा पेपर ले लेंगे ये वाला। ऐसे कड़ी करते जाना फोल्ड करके, फिर थोड़ा सीजर से काट लेना दोनों साइड से। अब जो ये बर्ड है इसकी दोनों साइड ये लगा लेने का है, उसको स्टेपलर से भी लगा सकते हैं, जल्दी चिपक जाएगा, फेविकॉल से देर लगती है। फिर दूसरी साइड लगाना है ऐसे, वो भी स्टेपलर से। अब पीछे इसकी पूंछ है उसमें और भी दो जो बना है वो लगा देने का, दूसरी साइड ये वाला। तो ये पीछे का पोर्शन ऐसे, दो पीस है तो एक को फेविकोल से चिपका देने का। कंटिन्यू इतना बड़ा पीछे की साइड ऐसा, ये पीछे की साइड ऐसा, ये इसका पीछे की साइड का पोर्शन हुआ, और ये उसकी पाँखें उड़ने के लिए। अब ये जो बर्ड है उसको हम रस्सी से लगाएंगे, उसके अंदर रस्सी बांधेंगे।
ये देखिए, तो ये जो रस्सी हमने बांधा, इससे क्या होता है, ये इसकी पंख है ये उड़ती हुई दिखाई दे रही है, देखो ऐसे दोनों साइड। तो ये हो गया पीच डॉग, ठीक है, ऐसे बनाने का।